राजस्थान के भरतपुर में विदाई के वक्त दहेज मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल दो चचेरी बहनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ हुई। विदाई के वक्त सुबह दुल्हों के सर पर दहेज का भूत सवार हो गया। विदाई के समय दोनों दुल्हों ने 5 लाख कैश, बाइक व गहनों की डिमांड रख दी। दुल्हन पक्ष हैरत में पड़ गया। काफी समझाया बुझाया गया पर दूल्हे जिद पर अड़े रहे। दुल्हनों को बिना विदा कराए ही वो वहाँ से चले गए। दोनों दुल्हने थाने पहुँच गयी। उन्होंने दुल्हों और उनके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामला भरतपुर के बयाना स्थित सिकंदरा का है। दहेज भी इतना मांगा गया कि दोनों दुल्हनों के पिता उसे पूरा नहीं कर सके। शिवशंकर मजदूर है और उनका छोटा भाई हरिशंकर मंदबुद्धि है। उन्होंने विवशता जताई, बेटियों को विदा कर ससुराल ले जाने की मिन्नत करने लगे, लेकिन लड़के वाले नहीं माने। आखिरकार दोनों दुल्हनों को शादी के जोड़े में ही छोड़कर वे चले गए। बुधवार को दुल्हने अपनी परिजनों के साथ शादी के जोड़े में ही थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। शाम को रामपुरा से बारात आई थी, उसमें मतलब खाना पीना, बारात के लिए नाश्ता मिलनी सब चीज कराई। रात को फेरे हुए, फेरे के टाइम पर दहेज में जो दिया जाता है उसमें लड़का वालों ने 5 लाख रुपए एक बाइक मांगी थी। इन्होंने एक बाइक 21,000 रुपए सर्वभोजन जो थी वो दे दिए। इसके बाद में लड़का वाला और लड़कों को लेकर के भाग गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ले ली है और जांच की जा रही है। इस मामले में दुल्हन सुषमा भारती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। हमारी मतलब 5 लाख रुपए मांग रहे शादी में, 2 लाख, 2 अंगूठे, 2 मोटरसाइकिल और घेरे भी पड़ गए और रामपुरा से बस लगाई हुई थी और छोड़कर हमें विदाई पार्टी के टाइम पर छोड़कर चली गई।